इसे अस्पदे दूजा शब्द है जे प्रसाद तो आचार विहारी तिस प्रभ को सास सास चिता। फिर चलो तेरहवीं अस्पदे प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे ते आवहो सास गिरास। सुखनी साहब के प्रेमी हो ते अति तुक जिन्हां दे कंठ है बोल दिया करो सारे प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे ते आवहो सास। यह अवस्था है ना गुरु सिखां नूं हुक्म करदे ने भी इह अवस्था च पहुंचो तुहाडे वास्ते अवस्था है। उस तों बाद सतारवीं अस्पदी दे अंदर सो सेवक जिस दया प्रभ तारै नानक सो सेवक सास। नाल ये भी कह दिता गुरसिखो जो अवस्था प्राप्त हो जाए ना किसी भी अवस्था के अंदर हंगता नहीं मिलनी चाहिए। ये अवस्था गुरु कृपा नाल मिलदी अपने आप नहीं मिलदी होंगे गुर कृपा जे नर कोके उहदे लई झोली अड़नी पएगी दाता दे आगे खैर पै जाएगी। दाता बड़ा तुस नहीं दाता कोई वो सोना भिखारी देन तुस ना दया दुखी वो सोना अलाई है कल ही सुने सिर कथा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारा है नानक सो सेवक सतारवीं अस्पदी तो बाद फिर उन्नीवी अस्पदी में चलो होहे अचिंत बसै सुख नाल होहे अचिंत बसै सुख नाल सा सा सर नाम सा। उस परमेश्वर दे नाम नू स्वा स्वा संभाल को सुन। फिर बीवीं अस्पदी ते चलो सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यागो। फिर अखीरली अस्पदी ते चलो सास सास सिमर हो गोविंद मन अंतर की उतरै चिर। ये सारी पंजवीं अवस्था श्वासन की कथन की गई है। इस तों अलावा होर बड़े प्रमाण आपां अगलियां अवस्था जिहड़ियां ओह संपूर्ण महाराज की कृपा दे नाल करनियां। एक जगह कथन है सास 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 हैं जेते जिन्ने भी सास नूं तेरे कोल सास 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 हैं जेते मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए नामे बिन सब बिरथा सास विकारे। जिहड़ा श्वासों तो बिना नाम जपण तो बिना श्वास चले गए विकार हो गए किसी अर्थ नहीं। इस करके कहा है दम दम सदा संभालता दम ना बिरथा जाए जन्म मरण का पहु गया जीवन पद भी पा। सास सास ने विसरे अंकते न धावो सास सास सिमरंत नानक महागण नमरासन। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुत जन्म ना आवा एक शब्द मेरे प्राण वस्त है प्राणा चला जाना शब्द प्राण हवन कहते श्वासा चला गया नाम तो नहीं तो बाद। इस तो अगे कथन किया है कि भलिया जिचर विच दम है तिचर ना चेते उन्ना चिर तां चेते नहीं करता के करेगा अगे जाए की करेगा अगे जाके जिन्हें ऐसा हर नाम ना सिर्फ तिर अगे करेगा की जा करके। अखीर दे विच चौदवां प्रमाण दे के मैं अपनी गल ये पंजवीं अवस्था की समाप्त करता हाँ। महाराज साहब गुरु रामदास जी कथन करते हैं जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन भावे। जिहड़ा इस अवस्था चलिया गया गुरु नूं भा जांदा है गुरु नूं भा सिंगल श्वासां दे नाल सिमरन ध्यान शक्ति द्वारा बिन धागे बिन सूई आनी मन हर भक्ति संसीव। ये दो तीन तरीके एक तो वाहे गुरु नू अलग अलग करके भी जपदे अभ्यासी कोई हर्द नहीं जिहदा जिथे मन टिकया होया चलाओ इस तरह भी कोई हर्द नहीं। कई इन्हां चारां अखरां नू वखरा वखरा तोड़ के बहुत लम्मा लिया के करदे है वह भी चंगी बात है करन दिओ जिवें करदे खंडन नहीं करना एक दूजे नूं जिथे किसी का टिकाव बने चलन दिओ। पर इन्हां
दोनों तरीकों तो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरशां दा जां होर भी बहुत सारे महापुरशां दा वह कहिंदे आ भी जिवें कोई फैक्टरी च माल बनता भी जिन्ने समय के अंदर एक मोहर लगी वो तैयार होया ते जे उन्हूं बहुत देर दे विच लाईए तो एक पीस तैयार होया। एक मिनट दे विच जिन्नी बार वाहिगुरु शब्द प्यार नाल वध कहा जाए तो उन्नियां मोहरां वध लगदी। कागज़ ही आ उहदे उत्ते मोहरां ही लगदियां जदों नोट बनदा श्वासां दे उत्ते जिन्नियां मोहरां लग जां पर नाल प्यार है प्यार चाहिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जीव तां हिलणी नहीं ध्यान चला गया धुरी विच ते ध्यान नहीं हिलना है ते ध्यान ने सूखम रूप दे विच हवा नूं गंढ देनी है। अंदर जांदियां श्वास बाहर जांदियां श्वासां च किवें जाना है प्रमाण तो बिना समझ आना कठिन है। अज संसार विच ब्लड प्रैशर की बीमारी बहुत ज़्यादा इस करके ये प्रमाण सौखा रहेगा। ब्लड प्रैशर वाले मरीज जे थोनू नहीं होया तो किसी रिश्तेदार को जरूर देखा होगा जदों मशीन इतने लाते हैं ना एक हाथ के नाल इस तरह पंप करते हैं तो एक पारा है जोड़ा वो मशीन के उत्ते पारा चढ़ता है। पारा किमें चढ़ता है एक लग ए नहीं चढ़ जाता तो ना एक डिगदा हेठा वो जिमें इस तरह मारदा ऐ हरौला जहा मार मार के पारा उत्ते नहीं चढ़ता इस तरह हरौला जहा मार मार के हौली हौली हेठा उतरद। बस इस तरह श्वास जदों अंदर जाएगा तो भी हवा थोड़ा जहा इस तरह फीलिंग होएगी वाहेगुरु वाहेगुरु क्योंकि ध्यान वो गंढ दिता जाएगा उस वाहेगुरु शब्द हों जाएगा अभ्यास करद्या करद चलेगा निराश नहीं होना किसी तो श्वासा दे जो नाम चलिया गया सतगुरु महाराज साहब जी फरमान करते हैं जिन्हां सास ग्रास नाम विसरै हर नामा मन मंत धन से सेई नानका पूर्ण सोई सन। जदों ध्यान विच गुणच हो गए तां पहला अभ्यासी काम करदिया भी हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल लग जाए कन्ना दे नाल गल सुनदा है और उस दा लोड़ पैण ते उत्तर भी देंदा है पर जाप भी बंद नहीं हुंदा गल्लां सुनदा है। साडी चेतन कला जिहड़ी परमात्मा ने शरीर च रखी है चेतन शक्ति जिहड़ी है वह दो हिस्सों च हो जाए किवें जिवें गड्डी चलाउण वेले दो हिस्सों च रोजे हुंदे तुसीं गड्डी चला रहे हो कोल तुहाडे सीट ते बैठा तुहानूं गली पौंदा है उहदी गल दा उत्तर भी सही दे रहे हो गड्डी भी सही चला रहे हो मूहरे गड्डी आ रही उहनूं भी बचा रहे हो लैट हो गई खड़दे भी हो उहदा भी घर पूरा करी जा रहे हो। नाम जपण वाला फिर ध्यान द्वारा नाम भी जपी जांदा है ते जिहड़ा कोई गल्लां पाउणा चाहुंदा इह गल स्पष्ट है कि बहुतियां गल्लां नहीं करेगा थोड़ी गल करके फिर जुड़दा है। इहो जे जुड़े हुए महापुरश उहनां दे विच्चों जुड़िया होयां विच्चों संत बाबा प्रीतम सिंह जी अंबे माजरे वाले अज भी फतेहगढ़ साहब की धरती दे विच 107 वरिया की उम्र में अज भी विराजमान हैं हर वेले वाहिगुरु की धुन चल रही है। श्वास इस करके श्वासा की अवस्था ये पंजवीं अवस्था है इस तो बाद गुरु प्यारे अवस्था आएगी छेवीं। छेवीं अवस्था नूं यह कहा कि रोमां की अवस्था है कि जिहड़ा नाम धुनी में हो रहा सी सारे शरीर में हवा फैल रही है विज्ञानियों ने सिद्ध कर दिता कि रोम भी सह लेंदे सेहत विज्ञानी भी मनते उन्हें तजर्बा करके वेख लिया कि मनुख कला नासा तो मूँह थी वह सह नहीं लेंदा रोमां थी भी लेंदा ते ओ रोम 3.5 करोड़ मने हैं दानियां ने जिसम के उत्ते जे छे कन बाडी के